इससे मुर्गी का डर जो होगा वो खत्म होगा। कलगी के इर्द गिर्द इनको ना सुकून पहुंच जाते हैं, सोकड़े में भी चले जाते हैं। मुर्गे से कैसे डर उतारना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुर्गों का हमने डर किस तरह उतारना है आज मैं ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गे से कैसे डर उतारना है। तो आपने क्या करना जी, जो मुर्गा डरता है ना उसको आपने अलग कर लेना, और उसके साथ आपने क्या करना जी, उससे छोटे जो होंगे ना, उससे कमज़ोर जो होंगे वो आपने उसके साथ छोड़ने हैं। जो चूजे होंगे या पट्ठे होंगे उस डरने वाले मुर्गे के साथ आपने वो छोड़ने हैं। तो इससे क्या होगा जी, वो उनको मारेगा, और दो जो आपने कमज़ोर पट्ठे वगैरह उसके साथ छोड़े होंगे वो उससे डरेंगे। उसको ये होगा कि मैं अब बाढ़ रहा हूँ, मेरी ताकत हो रही है, समझ रहे हैं ना। फिर तो इस तरह उससे क्या होगा जी, वो समझ रहे हैं, तगड़ा हो जाएगा, तगड़ा उसका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मुर्गों से डरता है वो नहीं डरेगा, खाना पीना छोड़ जाते हैं, सोकड़े में भी चले जाते हैं, क्योंकि डर होता है उनको कहीं से पड़ ना जाए। मुर्गे का अपने से हमने किस तरह डर उतारना है। मेरा मुर्गा है वो बहुत ज़्यादा यानी पहले उसका बहुत अटैच था, पहले जो मुर्गा था मेरा गोल्डन मुर्गा है, तो वो बहुत ना अटैच था मेरे साथ, ठीक है। तो छोटा सा था, तकरीबन 4 से 5 मंथ का था, तो उसको मैंने चुटकी भी जानी, तो वो फिर जिस तरह मस्ती वगैरह से चुटकी पे घूमते हैं ना, उस तरह घूमता था। अचानक से उसको क्या हुआ जी, वो डर गया, मेरे से डरने लग गया। मैं उसको करीब जाता तो वो ऐसे पार उठा लेता, जैसे बहुत ही ना मैंने इस पर जुल्म किए हुए हैं। अचानक से इसको ना कुछ हो गया। आज मैंने तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटा मैंने उसको अपने पास रखा है, ठीक है, पकड़ के रखा है, और उसको जो सार होता है ना, सार ठीक है, जो उनकी कलगी होती है ना, उसके इर्द गिर्द ना आपने खुजाना है, ठीक है, या मुंह पे खुजाते रहें या उसके इर्द गिर्द ना आप खुजाते रहें, ठीक है, यानी कलगी के इर्द गिर्द या मुंह के जो आंखें होती हैं उनके नीचे ना आप इस तरह करके उनको खुजाते रहें। इससे क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ पे ना हारिश वगैरह नहीं कर सकते, इनको ना सुकून पहुँचता है। दिन मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पकड़ा, दूसरे दिन 15-20 मिनट पकड़ा, आज मैंने सही कसर उतारी, मैं बैठ कर ले गए, खुजाता रहा उसके मुंह पे आराम से रहा। थोड़ा सा मस्ती में लग रहा है, पहले वाली जिस तरह पहले मेरे से अटैच होता था और मस्ती करता था, उसी तरह अब मस्ती में आ रहा है। और एक अहम बात कि आपने मुर्गे को कोशिश करें कि मुर्गे को दाना वगैरह जो है ना वो हाथ में खिलाएं, इससे मुर्गे का डर जो होगा वो ख़त्म होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।